नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। वीडियो लेक्चर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिजियोलॉजी पेपर अपना चल रहा है और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपने सुन रखा है। आज अपने बात करेंगे कि कुछ समय पहले तक, यानी कि आज से 40-50 साल पर पहले या 100 साल पहले तक ये माना जाता था कि जो सोयल में जो लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और लवण, उन्हीं से ही ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ निर्धारित होती है। जिस सोयल में अच्छे मिनरल्स होंगे वहाँ पर अच्छी क्रॉप्स होगी, यही माना जाता था। परंतु उसके बाद में आधुनिक खोजों से ये पता लगा कि कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो पादप की ग्रोथ और अन्य सभी जो कारक होंगे, जैसे फ्रूट बनना है, फ्लावरिंग, सभी कारकों को निर्धारित करते हैं। ये जो दूसरे लेवल के जो चीजें खोज की गई जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इनको ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहा गया और उसकी दो कैटेगरी बनाई, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो प्रमोटिंग स्ट्रक्चर में अपने पढ़ेंगे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन। परंतु ग्रोथ इनहिबिटर के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड, एबीए बोलते हैं इसको, और फिनोलिक इनहिबिटर्स। फिनोल के बने हुए कुछ प्रकार के इनहिबिटर्स होंगे, इनको इसमें स्टडी करते हैं। पहला हार्मोन अपने पढ़ते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में सबसे अधिक मात्रा में अध्ययन किया गया है और केमिकल रूप से जो ऑक्सिन है वो 1930 में केमिकली आइसोलेट किया गया और ये कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में स्टेम इलोंगेशन या स्टेम की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ऑक्सिन कहलाते हैं। ऑक्सिन की खोज सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंतर्गत सेक्स नामक वैज्ञानिक ने की और उसके बाद में अन्य बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया और उसके बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो पौधे के जो अगर भाग होते हैं वो लाइट की तरफ, जब उन पर लाइट गिराते हैं या लाइट की साइड में रखते हैं तो वहां पर क्या होती है, वो लाइट की ओर गति करते हैं। परंतु इन भागों को काटने से वहां की ग्रोथ प्रभावित होती है। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे कारक हैं जो इस ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में F.W. वेंट ने जई जो ओट होती है उसकी जो कोलियोपिटाइल टिप है उस पर इसका अध्ययन किया और फिर उन्होंने बताया कि इस एपिकल पार्ट में ऐसी स्ट्रक्चर जो बनती है जिसके कारण यह ग्रोथ होती है, वह संरचना क्या होगी, ऑक्सिन है। ऑक्सिन को सबसे पहले जो ह्यूमन का यूरिन है उससे पृथक किया गया और उसका नाम ऑक्सिन ए या ट्राइवलिक एसिड ए नाम दिया गया, जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H32O5। इसके बाद में कॉर्न जर्म ऑयल से ऑक्सिन बी का पृथक्करण किया गया जिसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18H30O4 दिया गया। इसके बाद में ह्यूमन यूरिन से भी एक तीसरा ऑक्सीजन और डिस्कवर किया गया, जिसको हेटेरो ऑक्सीजन कहते हैं। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी, हेटेरो ऑक्सीजन आदि डिस्कवर किए गए। इन सभी को, ये जो डिस्कवर किए गए हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन, जो नेचुरल अवस्था में थे। क्योंकि नेचुरल का केमिकल फॉर्मूला ज्ञात हो गया था, इसलिए कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन का भी संश्लेषण कर लिया गया। ये सिंथेटिक रूप से जो ऑक्सीजन है वो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेफ्थाइल एसिटिक एसिड NNNAA, IBA, PAA, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिर 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड और 2,4-5-D 2,4-5-triphenoxy एसिटिक एसिड। 2,4-D का नाम सुन रखा होगा आपने, इसको आजकल हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं। मोनोकोट क्रॉप में डाइकोट, जो मोटी पत्ती वाले जो वीड हैं, उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का छिड़काव आम सभी अपने जो सामान्य खेतों में, ज्यादातर खेतों में इसका यूज होता है। 2,4-D वीडिसाइड्स के रूप में इसका यूज होता है। ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस है, वो पहले मैंने बताया कि रूट और शूट टिप ऐसे स्थान है जहां पर यह जो संश्लेषण होता है इसका, ऑक्सीजन का, वो इन्हीं स्थानों पर सर्वाधिक पाया जाता है। और भिन्न भिन्न इसके जो परिपथ से उनके द्वारा इस चीज की डिस्कवर किया गया। अब इंडोल एसिटिक एसिड IAA किस प्रकार से बनता है, कैसे इसकी रूपरेखा होगी, ये इसमें दिखाया गया है कि ट्रिप्टोफेन से किसका संश्लेषण होगा, इंडोल 3-एसिटिक एसिड IAA। तो ये भिन्न भिन्न पाथवे है जिनके द्वारा इसका संश्लेषण, संभावित संश्लेषण इंडोल एसिटिक एसिड का अपने किया जा सकता है। धन्यवाद।